अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक पंजाबी रेसिपी राजमा, और ये हम अपने स्टाइल से बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और ये आप रोटी के साथ सर्व कीजिए, चावल के साथ, गर्मा गर्म चावल के साथ भी आप इसको सर्व करते हैं। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं कैसे बनेगा ये। आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये हमने एक कप राजमा लिया था और इसको हमने अच्छे से धो के ओवरनाइट भिगो दिया था। ये अब भीग गया है, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हम राजमा डाल देंगे। 2 से 3 कप इसमें पानी डालेंगे और ये डालेंगे 1.5 इंच का करीब दालचीनी का टुकड़ा, और ये 2 छोटे तेज़पत्ते हैं, और ये 2 बड़ी इलायची, और 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक। अब इसको 4 से 5 प्रेशर आने तक इसको हम कुक करेंगे। गैस ऑन कर दी है हमने। जब तक हमारा राजमा बॉयल हो रहा है तो हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा, 8 से 10 इसमें डालेंगे काली मिर्च, 3 से 4 डालेंगे इसमें लौंग, 1/2 इंच का डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 इसमें डालेंगे लाल खड़ी मिर्च, 1 टेबल स्पून डालेंगे खड़ा धनिया, 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे नारियल। नारियल ये किसा हुआ है, लच्छे हैं, आप वैसा नारियल भी डाल सकते हैं, 2 इंच का टुकड़ा। इसको अब हम रोस्ट कर लेंगे, इसको जलने नहीं देंगे, और लाइट ब्राउन कलर का कर लेंगे नारियल का कलर। ये देखिए हमारा कलर भी चेंज हो गया है हल्का हल्का, और खुशबू भी आ रही है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। अब इसकी हम आगे की तैयारी करते हैं। इसमें हम 2 टेबल करीब डालेंगे सरसों का ऑयल, तेल गरम हो रहा है, और अब इसमें हम डालेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज के प्याज काट लिए थे हमने स्लाइस में। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन 10 से 15 कलियां लहसुन की, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, और हरी मिर्च 3 हरी मिर्च 2 टुकड़े करनी है, हरी मिर्च ऑप्शनल है, और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, और इसमें अब हम डाल देंगे 1 बड़ा टमाटर, मोटे मोटे टुकड़े काट लिए हमने, और इसको भी हम 1 से 2 मिनट करीब पकाएंगे। अब ये पक गया है, गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब एक हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 5 से 6 टेबल स्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, और हम डालेंगे इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे। अब इसको हम पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, और इसमें भी हम डालेंगे जो हमने पाउडर बनाया था पहले, मसाले रोस्ट किए थे उसका हमने पाउडर बना लिया था, ये भी डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। अब 5 से 6 मिनट इसको हम ढक के मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मसाला भी भुन गया है, काफ़ी कम भी हो गया है मसाला। इसको हम 1 से 2 मिनट तेज आंच में और भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डालते जाएंगे। मसाला भून गया है और दानेदार हो गया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें आप, क्योंकि हम इसमें पहले भी डाल चुके हैं नमक बॉईल करते टाइम। मसाला भून चुका है पूरी तरह से, अब इसमें हम डालेंगे राजमा जो हमने बॉईल किया था। अब इसको हम पकाएंगे 5 से 6 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। ढक के पकाएंगे 5 मिनट।
अब इसको हम देखते हैं, ये पक गया है, ये देखिए गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून भुना जीरा, ये ऑप्शनल है, और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इसमें गरम मसाला पहले ही हम रोस्ट करके डाल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून बटर, 3 टेबल स्पून मेल्ट होने के बाद 3 टेबल स्पून होगा ये, और पंजाबी डिश है तो बटर तो ज़रूरी है, और वैसे आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और ग्रेवी में मिक्स भी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, धनिया पत्ती से गार्निश करना है हमें। ये राजमा तैयार हो गया हमारा, अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही लाजवाब बना है हमारा राजमा। आप बताइएगा कमेंट करके आपको हमारे राजमे की रेसिपी कैसी लगी, आप भी बनाइए ट्राई करिए। आप इसको खा सकते हैं घी लगी फुलकी के साथ, और पराठे के साथ भी बहुत ही मज़ा आएगा आपको, और चावल के साथ तो इसका ज़बरदस्त जोड़ है, चावल के साथ तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये आप इंजॉय कीजिए, गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी राजमा की रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप भी इसको ट्राई करिए और इंजॉय कीजिए, और हमें लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करिए। फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।